देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र जे लालगढ़ रेलवे लाइन के किनारे पुलिस ने एक युवक का शव किया बरामद। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र जे लालगढ़ रेलवे लाइन के किनारे पुलिस ने करीब 30 वर्षीय युवक का शव शनिवार सुबह 9 बजे बरामद किया। युवक की पहचान सिमरातरी गांव निवासी अरुण दास का पुत्र हीरालाल दास के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही मधुपुर एसडीपीओ विनोद रवानी, मधुपुर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर इंचार्ज रामदयाल मुंडा, अंचल पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह, पथरौल थाना प्रभारी मनीष कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी लिया। इधर घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक हीरालाल घटनास्थल के कुछ ही दूरी पर एक मिनरल वाटर प्लांट के कार्य कर बीती रात घर वापस लौट रहा था, लेकिन जब रात को घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजन खोजबीन शुरू कर दी है, जिसके बाद आज सुबह लालगढ़ रेलवे लाइन के किनारे शव होने की सूचना पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान करते हुए हत्या की आशंका जताई। वही घटना को लेकर मृतक की मां का कहना है कि मेरे पुत्र का किसी ने हत्या कर दी है और शव को रेलवे लाइन किनारे फेंक दिया है। इधर घटना को लेकर मधुपुर एसडीपीओ विनोद रवानी ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है, छानबीन के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस ने घटनास्थल के कुछ ही दूरी पर मृतक हीरालाल का एक स्कूटी को बरामद किया है। इधर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेजने की तैयारी कर रही है। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर गहन जांच कर रही है। एक लाश मिली है, प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हत्या का, ये जांच करने वाला भी पता चलेगा क्या है।